हेलो गाइस, वेलकम टू तेज मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे वंडर वुमन 1984 के पहले पोस्टर के बारे में और काफ़ी सारे अपडेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते दिस वीडियो। तो सबसे पहले पोस्टर लॉन्च हुआ जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है, और डिज़ाइन करने वाले ने सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ रखी कि उनने कलर के जरिए डब्लू लिखा, जो कि बहुत ही लोगों को पसंद आया। और देन ये आर्मर कॉमिक बुक में देखने को मिला था, जिसका नाम था गोल्डन ईगल आर्मर। तो ये कॉमिक बुक और मूवी में भी यूज़ करा जा रहा है, तो सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। देन उसी के साथ आपके मन में सवाल होगा कि इसका ट्रेलर कब लॉन्च होगा। तो आपके लिए यहाँ पर एक सैड न्यूज़ है, पहला ट्रेलर और टीज़र और फुटेज हमें दिखाई जाने वाली थी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डीसी यूनिवर्स ने मना कर दिया कि वो बैटमैन, हार्ली क्विन और उसके बाद बर्ड्स ऑफ पेरी और वंडर वुमन से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं देंगे सैन डिएगो कॉमिक कॉन में, जो कि जुलाई के महीने में होने वाला था। पर डायरेक्टर ने हिंट दी कि इसका फर्स्ट टीज़र या ट्रेलर दिसंबर के महीने में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि वंडर वुमन फैंस के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। पर उसी के साथ एक और खुशखबरी, आईटी चैप्टर 2 फैंस के लिए फाइनली जुलाई 17, 2019 को आपको आईटी चैप्टर 2 की नई फुटेज देखने को मिलेंगी, जो कि उनका ऑफिशियली ये पोस्टर जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो। देन उसी के साथ न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में आपको और भी काफ़ी सारे ट्रेलर देखने को मिल सकते हैं, पर डीसी यूनिवर्स ने बिल्कुल मना कर दिया, वो कोई भी अभी प्रमोशन नहीं करना चाहते। पर उम्मीद करिए वंडर वुमन का, जो कि आपको दिसंबर में ट्रेलर देखने को मिलेगा। पर पोस्टर काफ़ी ज़्यादा सभी को पसंद आया, पर्सनली मुझे। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। तो ये आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर वंडर वुमन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।